सच साहस सरोकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वदेशी राजदूतों के साथ पहुंचे गुजरात। विदेश मंत्री नवरात्रि समारोह में हुए शामिल। राज्यसभा नेता खड़गे का पद से इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में खड़गे और थारूर का फार्म हुआ निरस्त। पसंद आ रही है लोगों को वंदे मातरम ट्रेन। पहली बार 96% अधिक सीटों में हुई बुकिंग। लगातार छठी बार इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। दूसरे स्थान पर रहा गुजरात का सूरत। भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हराया। जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार पारी खेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। 5G नेटवर्क की सेवाओं की लॉन्चिंग के साथ ही देश में एक और संचार क्रांति हो रही है, जिसमें वाराणसी शहर भी इस शानदार पलों का साक्षी बना। वहीं सीएम योगी का हेलीकॉप्टर वाराणसी पहुंचा, जिसके बाद वो यहाँ के कार के जरिए वो सर्किट हाउस पहुंचे। साथ ही रुद्राष्टकम कन्वेंशन सेंटर में 5G सेवा का लॉन्चिंग प्रोग्राम भी रखा गया था। इसी के साथ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में वर्चुअली सीएम योगी भी जुड़े। सरकार के प्रयासों को और हम इंडस्ट्री को बेनिफिट दे सकते हैं, जो 5G के लिए बहुत ही 5G के थ्रू इंडस्ट्री बहुत ही प्रोडक्टिव अपना। ये बताइए 5G के फायदे क्या हैं आज? 5G के फायदे आज हम भारत में हर घर तक रीच कर सकते हैं। 5G से आज हमें डेटा का एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, जो डेटा एक्सपीरियंस की वजह से जहाँ पे हम हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बड़े बड़े शहरों के डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एक डॉक्टर काफ़ी गांवों के साथ एक ही टाइम पे कनेक्ट कर सकता है। वहाँ डॉक्टर किसी और भी लोकेशन पर बैठे हुए रियल टाइम पे मल्टीपल कस्टमर्स की टेली कंसल्टेशन वो कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान भाइयों को जो उनके पास जो ज़मीन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उनकी जो है आय है वो बढ़ेगी। उसके सर नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है सर, तो एक इंटरनेट की समस्या, नेट की समस्या को ये कितना खत्म करेगा? नहीं देखिए, इंटरनेट जो है वो तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही अहम कदम उठाया है भारत सरकार ने, और इसमें राज्य सरकारों का एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, योगदान रहेगा। प्रयागराज में केंद्रीय युवा कार्यक्रम में खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे, जहां वो एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2.0 अभियान के तहत दो कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही केंद्र मंत्री ने यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UIT में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रयागराज के संगम VIP घाट पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने भी पहुंचे। इसी के साथ 8 दिवसीय स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव का भी उद्घाटन किया। ऐतिहासिक प्रयागराज की यह धरती, संगम का ये तट, करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं प्रेरणा लेने, पूजा करने, आशीर्वचन लेकर यहीं से देश के अलग अलग कोनों में वापस जाते हैं। और हम भी यहाँ से देश के कोने कोने में संदेश देना चाहते हैं प्रयागराज की इस पावन धरती से, कि 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे, देश का युवा इससे जुड़ेगा और 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके हम एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। पिछली बार भी हमने 75 लाख किलो का प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने की बात कही थी, उससे ज़्यादा करके दिखाया है। स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण स्वच्छता से ही शुरू होगा। खबर लखनऊ से, जहां जन जागृति एकता विचार संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने बताया कि अंग्रेजों के ज़माने में जिन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था, जिसके चलते आज अन्य जातियों को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जातियों को एक साथ आकर राजनीति में भागीदारी देनी चाहिए। बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। मैंने लेटर लिखा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नड्डा साहब को, सबको, तो उनको आज के दिन में उसे समर्थन लेना है कि मैं जिस दिशा में चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नियम तो है कि जिसके लिए काम कर रहा हूँ उसका समर्थन तो हो,
कि मैं वो जाने तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इनका एक समर्थन लेना है कि मैं उस दिशा हमारा चल रहा है कि संविधान में लिखा हुआ आरक्षण आप लेने के लिए तैयार हो। और आज के दिन में पॉलिटिकली रूप से आप जो है, पहले था गेहूँ राजा बने हमसे क्या मतलब था, लेकिन इनको बताया जा रहा है कि राजा हम बनाएंगे तभी हम कुछ पाएंगे। इनको छुआ बरोट में कौआ पिला के इन्हें बर्बाद किया गया था, तो मैंने कहा कि कौआ के लिए भी हटा के पार्टी के लिए भी लगाओ, पावर लाओ, अब पावर के साथ जाओगे सब कुछ हो जाओगे। महाराजगंज में सृजन के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव का शानदार आगाज किया गया। वहीं महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल ने किया। साथ ही उद्घाटन से पहले महोत्सव को मेले का रूप दिया गया, जहां विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री ने जनपद की विशेषता को बताते हुए कृषि और शिक्षा जगत में यहाँ के लोगों के योगदान को बताया। भीड़ के साथ जैसे कि हमारे मंत्री जी माननीय सांसद जी बता रहे हैं पंकज भैया, कि 2 साल रहा कोविड के कारण, किसी कारणों से 3 साल बाद हो रहा। मैंने उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा था सुबह का वक्त है, उद्घाटन में जाना है, आएंगे कुछ लोग, चंद लोग होंगे या जो भी हो, 2-5 सौ लोग। ये इतनी ऐतिहासिक भीड़ शुरुआत में, इससे पता चलता है कि महाराजगंज स्वयं बेसब्री से इस महोत्सव का इंतजार कर रहा था। खबर बुलंदशहर से, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने स्याना तहसील में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही नाराज किसानों ने एसडीएम और तहसीलदार को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। जो हमारा तहसील का घेराव है, इसमें जो मुख्य मुद्दा है गन्ना, जो हमारे बीबी नगर ब्लॉक का संभावली चीनी मिल, शुगर चीनी मिल पे जो गन्ना जाता है उसका पेमेंट नहीं हुआ, 17 फरवरी तक हुआ है अभी, और दूसरा सीजन चलने को है। एक अहम मुद्दा ये है। दूसरा बिजली का है कि बहुत सारे कनेक्शनों की रसीद अब कट गई है, नहीं सामान दे रहे हैं, नहीं उनको अप्रूवल कर रहे हैं अभी। अलीगढ़ में कुआरसी बाईपास एक रेजिडेंसी में शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं जिले के सभी शिक्षकों ने संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी में शिक्षकों की समस्याओं पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की कॉपियाँ शिक्षकों ने चेक कर ली हैं, जिसका मानदेय सरकार ने अभी तक शिक्षकों को नहीं दिया है। वहीं शिक्षक विधायक ने सरकार से जल्द इन समस्याओं का निदान करने की बात कही है। शिक्षक की संगोष्ठी है, ये जो स्कूलों की समस्याएं हैं उसको विधान परिषद में हम लोग रखते हैं, तो स्कूलों को हम देख रहे हैं 2018 से उसके मूल्यांकन का पैसा नहीं दिया गया है। मूल्यांकन के पैसे का मतलब जो यूपी बोर्ड की परीक्षा कॉपी चेक करा ली गई, और लगभग 7,98,00,000 रुपये ये 2018-19-20 के बकाया हैं, जिसे सरकार लंबे समय से नहीं दे रही है। तो हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से रही है कि ये पेमेंट उसे जल्दी से जल्द मिले। इसके साथ साथ पारिश्रमिक का पैसा है, आरटी के तहत निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका पैसा भी वर्ष 2019 से रुका हुआ है। तो सरकार शिक्षा को अनदेखा कर रही है, और जो ये उनके खून पसीने का जो पैसा है, मेहनत का पैसा है, उसे तत्काल मिलना चाहिए। इन सारी समस्याओं को लेकर शिक्षक को मानदेय मिले। खबर हरदोई से, जहां भाजपा नेता नरेश अग्रवाल के जन्मदिन पर स्त्री के पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने अपना जन्मदिन एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के साथ मनाया। साथ ही कहा कि 45 साल की राजनीति में जनपद में गुंडागर्दी को पनपने नहीं दिया। वहीं इस अवसर पर बताया कि भाजपा सरकार महिलाओं को आगे लाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। मानना, मैंने हर कोई के लोगों से कहा कि आइए, चाहे एनजीओ के माध्यम से आइए, चाहे सीधे आइए, इससे जुड़िए, महिलाओं की रक्षा करिए, महिलाओं को आगे बढ़िए। सोनभद्र में ओबरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य गेट पर 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज 26 दिन हो गए हैं। वहीं सत्येंद्र कुमार यादव ने कहा कि अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है, जल्द से जल्द मांगों को पूरी करें, नहीं तो हम आमरण अनशन करने को बाध्य हो जाएंगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सिद्धार्थनगर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से जमकर स्वागत किया। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने पार्टी के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की अपील की, और साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों को सावधान करने आए हैं,
सबको सावधान कर रहे हैं, वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सरकार बनाने को 50 दलों के मिलकर सरकार बनी है। अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, किसी स्टेट में गठबंधन की सरकार है। हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं। आने का टाइम जो 24 का, तो फिर बिना गठबंधन के कहां चुनाव होना है। अलीगढ़ में अपनी बेटी का इलाज कराने पहुंचे एक दंपति को अस्पताल में किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल सकी। ड्यूटी पर तनाज, जब कर्मचारियों से डॉक्टर के बारे में पूछा गया तो कर्मचारियों के होश उड़ गए। जब दंपति ने अपनी बेटी की हालत को देखते हुए कर्मचारियों से डॉक्टर को बुलाने की बात कही तो कर्मचारियों ने डॉक्टर की जगह वहां तैनात फार्मासिस्ट को बुला लिया। फार्मासिस्ट ने कहा कि हम इलाज करेंगे। इलाज करने के नाम पर उस फार्मासिस्ट ने दंपति से बदसुलूकी भी की। लीव करते समय भी मैंने बता दिया कि सर ये स्पेशलिटी के मेरे पास डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा आपको हम डॉक्टर दिलाएंगे, आप इनको तुरंत रिलीव करिए। तो डॉक्टर सुधीर वर्मा जो हमारे इकलौते फिजिशियन है, उनको भी रिलीव करना पड़ा। तो इस वजह से मेरे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अभी भी मैं टच में हूँ शासन से, हमारे AD महोदय से, और पत्राचार भी कर रही हूँ। देखिए, उम्मीद है जल्द ही मुझे फिजिशियन भी मिल जाना चाहिए, ताकि यहाँ की समस्याएं जो हैं, यहाँ के मरीज़ जो हैं इधर उधर परेशान ना होते रहें। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अस्पताल की सुविधाओं को जो है सामान्य और सुचारू रूप से चला सकूं। अच्छा, आप यहाँ मलखानसी में किस लिए आए हैं? मैं दवा लेने आया। तो यहाँ क्या रहा डॉक्टरों के? मैंने पर्चा बनवाया, उसके बाद पहले आपने बनवाया था, लोग देख रहा था, कोई स्टाफ का डॉक्टर नहीं था यहाँ पे जी, जो जो सीनियर डॉक्टर नहीं है कोई भी, और एक वैसे जनरल वो सीखने वाले थे, वो आज ही। तो उन्होंने आपको इलाज नहीं दिया? नहीं, आपको एक केवल इंजेक्शन डाला और कोई जानकारी नहीं दी आपको। नहीं, सामने देखा नहीं आपको, आपको जानकारी दी या नहीं दी? आपकी बीमारी जो आप जिस बीमारी को लेकर आए थे, आपका इलाज हुआ नहीं हुआ? मेरी एक गोली दे दिया, जाओ हो जाओ इसे। बीमारी क्या है आपको? मैं हर्निया का पेशेंट था, गैस बनी, चावल की चावल छोले चावल खा लिए। खबर लखनऊ से, जहां कोविड के 2 साल बाद नवरात्र को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही पूरे देश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस त्यौहार को मनाते हैं। बता दें कि भारत के अलग अलग रीति रिवाजों से नवरात्रि जैसे महापर्व को मनाया जाता है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आज हम उपस्थित हैं लेखराज मार्केट के, यहाँ पे जो पंडाल लगे हुए हैं उससे हम बात करते हैं कि आखिर शारदीय नवरात्रि किस तरह से मनाया जा रहा है, और यहाँ पे माँ का जो स्वागत किया गया किस धूमधाम से किया गया देख रहे हैं आप। यहाँ के जो मेन है उनसे हम बात करते हैं कि वो किस तरह से तैयारी किए हैं शारदीय नवरात्रि के। शारदीय नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ तक कि 1-9 दिन पूरे पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर भारतवर्ष के हर देश प्रदेश में जो है कि बहुत ही अलग अलग रीति रिवाजों से जो शारदीय नवरात्रि है 9 दिन मनाया जाता है। कहीं पे गरबा करके, तो कहीं पे सिंदूर की होली से माँ की स्वागत किया जाता है। तो फर्स्ट डे जो नवरात्रि के होता है वो हमें कलश और जोत जला के किया जाता है। और यहाँ पे जो भारतवर्ष में बहुत ही जो हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो बहुत ही एक पर्व के रूप में माता को स्वागत करते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से हम नवरात्रि नहीं मना पा रहे थे। इस बार हमें बहुत ही एक ये मौका मिला है कि माँ को हम एक अच्छे से स्वागत करें, हम नवरात्रि की पूजा करें। तो आइए हम यहाँ के जो हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस प्रकार से माँ की इस बार स्वागत किए, क्या अलग तैयारी किए हैं। सर आपका नाम? अखिलेश गुप्ता। सर, इस बार जो शारदीय नवरात्रि आया है 2 साल के बाद हम लोग को मौका मिला है, तो आप किस तरह से आप इस माँ को स्वागत किए हैं, किस प्रकार से आप नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं? सबसे पहले लखनऊ के सभी निवासियों को और प्रदेश के सभी लोगों को माँ भगवती का जय माता दी। मैं इन 2 सालों के बाद पहले माँ भगवती का हमने आवाहन पूजन किया है, और सभी के लिए हम कामना करते हैं कि सबका जीवन सुखमय हो और आनंदमय हो। सर, आप जैसे पूजा पाठ, जैसे नवमी के दिन ऐसा कुछ ऐसा प्रोग्राम, जैसे आप कल्चरल प्रोग्राम कर ही रहे हैं, तो नवमी के दिन भी बहुत अलग तरीके से पूजा किया जाता है, हिंदू धर्म की मान्यता है, तो उस दिन की आप क्या तैयारी की है? माँ भगवती की कन्या पूजन करेंगे और सभी भक्तों से कहेंगे सब अपने घर में कन्या पूजन करें और कन्याओं की सेवा करें और उनको सम्मान दें, नारी शक्ति का अच्छा सा सम्मान करें और सत्कार करें।
तो आपने देखा माँ का कहना है कि 2-3 साल से हम लोग ये पंडाल रख रहे हैं और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे माँ की स्वागत किया जा रहा है, पूजा कर। आप देख सकते हैं कि इतना भीड़ लगा हुआ है। तो आइए हम यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं कि वो इस बार नवरात्रि को लेकर किस तरह से उत्साह, किस तरह से एक अलग तैयारी किए हैं। मैम आप क्या बोल रहे हैं? मैम आप इस बार नवरात्रि को किस प्रकार से मना रही हैं? 2 साल के बाद हम माँ के स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ अलग तरीके से आप कर रही होंगी? जी, अच्छे तरीके से मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं खूब। आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। तो माता की इस बार बहुत ही अच्छे से पूजा किया जाए, 2 साल के बाद हमें मौका मिला है कि शारदीय नवरात्रि में हम पूजा करते हैं, तो लोगों से बात करते हैं कि वो किस प्रकार से इस बार माँ का स्वागत कर रहे हैं। सर, माँ का हम लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं। 4 साल बाद हमारी कंपनी माता भगवती का चौकी और जागरण का प्रोग्राम, साथ साथ भंडारा का कार्यक्रम कर रही है। ये हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। हम अपने पूरे परिवार बंध बांधव समेत माँ की सेवा में हाजिर हैं। आइए और भी माताओं से हम बात करते हैं कि वो किस प्रकार से इस बार नवरात्रि के पूजा कुछ अलग तरीके की तैयारी की हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, ये नवरात्रि का किस तरह से आप तैयारी की हैं, कुछ अलग तैयारी की हैं? 2 साल बाद हमें मौका मिला है माँ शारदीय का जो हम पूजा करने के लिए, अलग से क्या तैयारी? माता जी के भजन हो रहे हैं देख करके बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मैम आप बताइए, आप किस तरह से तैयारी करती हैं माता, जो आप पूजा कैसे करती है घर में? जैसे हिंदू धर्म का है कि हर नौ मतलब पहले दिन हम कलश रखते हैं, जोत जलाते हैं, कुछ आप अलग तैयारी? जी नहीं, वही करते हैं हम लोग भी, जोत जलाते हैं, माता का कलश रखते हैं, उनका मतलब जो भी होता है मतलब अलग से उनका स्थान वो लगाते हैं। आइए और भी माँ से हम बात यहाँ करते हैं। मैम आप बताइए, आप किस प्रकार से तैयारी कर रही हैं शारदीय नवरात्रि के? 2 साल बाद हमें पूजा करने का मौका मिला है, कुछ अलग तैयारी की है? 2 साल बाद हम हर साल पूजा करते हैं। तो नवरात्रि जो धूमधाम से हो रहा है, ये तो आप इस बार कोरोना की वजह से नहीं कर पाई थी, इस बार कुछ अलग करने? हाँ, बस इस बार 2 साल के बाद में जागरण अच्छे से हो रहा है बस। चलिए, तो आपने देखा सभी माताओं और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हो, उनका कहना है कि इस बार हम बहुत उत्साह के रूप में और एक पर्व के रूप में हम ये शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं। तो यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ही धूमधाम से मना। तो आपने देखा, हमने यहाँ तमाम श्रद्धालुओं से बात की, तमाम यहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे हम बात किए और बात करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसके वजह से आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तब भी हमने बात करने की कोशिश की। और सबका यही कहना है कि इस बार कोरोना की वजह से जो 2 साल हम शारदीय नवरात्रि नहीं मना पाए थे, इस बार बहुत ही धूमधाम से हम तैयारी किए हैं और हर बार की तरह हम माता को बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन विजय कुमार के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर गोंडा से, जहां श्री सीताराम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं विधायक अजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर मंदिर का लोकार्पण किया। साथ ही इस मौके पर यामयुष धर्म शिक्षा केंद्र के छात्रों ने आकर्षण कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हुए सभी मनोरंजन किया और मंदिर निर्माण में सहयोग देने वालों को भी सम्मानित किया गया। श्रावस्ती में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने थाना मल्लीपुर क्षेत्र का भ्रमण कर शांति और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थाना मल्लीपुर क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल बहुरा घाव पर भगला घाट का निरीक्षण भी किया। इसके बाद संभ्रांत व्यक्तियों और ग्राम प्रधान से वार्तालाप भी की। खबर सीतापुर से, जहां मुस्लिम समुदाय के किन्नर को धर्म परिवर्तन और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि धर्म परिवर्तन करने को लेकर उस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं पीड़ित ने थाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। खबर बिजनौर से, जहां संचारी रोग के नियंत्रण व लेकर 31 अक्टूबर तक जनपद में जागरूकता रैली निकाली जा रही है, वहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने ऑटो रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाया और सामूहिक शपथ ग्रहण को भी कराया गया।
बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य अधिकारियों सहित राजकीय इंटर कॉलेज के स्काउट कैडेट्स भी मौजूद रहे। लगातार इसका ये चलेगा, कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत हर गांव, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में साफ सफाई, नालियों का साफ सफाई, हर जहां पे कूड़ा कचरा जमा होते हैं उस एरिया का साफ सफाई, पूरा होल जनपद को साफ सफाई रखने में हम लोग प्रयास करेंगे ताकि इससे जो संसारी रोग होते हैं वो ना फैले। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेगा आज 30 सितंबर को सिनेमाघर में रिलीज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफ़ी आलोचना भी की जा रही है। बता दें कि फिल्म का पहला रिव्यू ही आ गया है, जिस पर हमारी संवाददाता स्वानी सिंह ने इंटरव्यू को लेकर दर्शकों से बात की। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सिनेपोलिस मॉल में, और हम इस वक्त इसलिए मौजूद हैं यहाँ पे कि शुक्रवार को विक्रम वेगा मूवी आज रिलीज हुई है, और इसके बारे में हम लोगों से बात करेंगे कि उनको क्या प्रतिक्रिया है, कैसी लगी उनकी मूवी। आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिनों से एक ट्रेंड चला है, बॉलीवुड बायकॉट, बॉलीवुड को बायकॉट किया जा रहा है। कोई भी मूवी आ जा रही है लोग बायकॉट कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही आई ब्रह्मास्त्र मूवी जो रणबीर और आलिया की एक्टिंग से कुछ लोग बहुत ही प्रभावित हुए, और फिर से पब्लिक धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ बढ़ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या विक्रम वेगा जो ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक्टिंग होगा, क्या उससे लोग प्रभावित होंगे, क्या फिर से धीरे धीरे लोग बॉलीवुड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना तो यही होगा। आइए अब लोगों के से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि उनकी क्या इस मूवी को लेकर प्रतिक्रिया है, क्या ऋतिक रोशन की एक्टिंग पसंद आई, क्या सैफ अली खान किस तरह से एक्टिंग किए हैं, कैसी मूवी है उसके बारे में जानकारी पाते हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। सर आपका नाम? देवव्रत। सर आप विक्रम वेगा मूवी इतने सालों बाद, मतलब कोरोना के बाद ये सारी मूवी बॉलीवुड की आ रही है, ये भी ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट बॉलीवुड का किया जा रहा है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के बाद फिर से पब्लिक रुक कर रही है बॉलीवुड के, तो ये विक्रम वेगा में एक्टिंग जो ऋतिक रोशन सैफ अली खान जो की, आपको कैसा लगा? देखिए ऋतिक की एक्टिंग हमेशा कमाल की रहती है, एंड स्पेशली विक्रम वेगा में काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स हैं जो उन्होंने किए हैं, एंड ओवरऑल द मूवी वॉज रियली गुड, एंड ऋतिक वॉज सुपर, एंड सैफ अली खान की भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी मूवी में। तो आपको ये मूवी मतलब इसमें सब एक्शन और सब एडवेंचर और क्या क्या दिखाया गया, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए मूवी का स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा था, एंड अलॉन्ग विद एक्शन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहा मूवी। तो और आपको क्या, आप इसको क्या रेटिंग देना चाहते हैं, कितना आपको पसंद आया? आउट ऑफ। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपको कैसा लगा विक्रम वेगा मूवी, किस तरह से आप क्या इससे प्रभावित हो, कैसे उनका एक्टिंग कैसा लगा? एक्चुअली मैं पहले साउथ की मूवी में देख चुका था, तो मैं वही सोचा था कि जस्टिफाई हो कर पाएगा कि नहीं, लेकिन ऋतिक ने जो वेगा का कैरेक्टर प्ले किया है बहुत ही अच्छा है, और मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा आप जाकर जरूर देखिए, और मूवी बहुत ही अच्छी थी। आजकल बॉलीवुड को बायकॉट करने का ट्रेंड चला, क्या आपको लग रहा है ये सही है, क्या बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं अच्छे एक्टिंग नहीं कर रहे हैं? हाँ मैम, ऐसा है कि हर चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन नहीं होता, फिर भी लेकिन क्योंकि मूवीज़ में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना वो सोच समझ के तो उनको देखना पड़ेगा, तो इन कुछ चीज़ों को लेकर जैसे हिंदू फोबिक टाइप का जो बोलते हैं लोग, उस टाइप का कुछ होगा तो हिंदू देवी देवताओं को जो अपमान करने की बातें होती है, तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करके अगर बनाएंगे तो सर लोग मूवी देखेंगे। तो आपको ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, ये जो राधिका आप, उनकी एक्टिंग कैसी लगी? एक्टर्स ने सब ने काम अच्छा किया मैम, जस्टिफाई किया अपने अपने रोल के साथ। तो कितना रेटिंग दे रहे हैं आप? 3.5। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जो मैम यहाँ पे हैं वो भी गई थी मूवी देखने, तो मैम आपको कैसा लगा जो ये मूवी आई है उसके बारे में? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आपको सैफ अली खान, ऋतिक रोशन की एक्टिंग कैसी थी, क्या क्या उसमें एडवेंचर एक्शन कुछ तो बारे में? ऋतिक की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एडवेंचर अच्छा था, सब अच्छा था। चलिए, तो आपने देखा सभी लोगों जो यहाँ पे दर्शक देखने आए थे वो बहुत तारीफ कर रहे हैं कि विक्रम वेगा मूवी बहुत ही अच्छी है, और सब लोगों बता रहे हैं कि उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छा किया, ऋतिक का एक्टिंग बहुत पसंद आ रहा है। अब लग रहा है कि धीरे धीरे लोग बॉलीवुड की तरफ रुख कर रहे हैं। कैमरामैन विजय कुमार के साथ सुहानी सिंह, लखनऊ। अलीगढ़ के थाना मडराग क्षेत्र में गांव घासीपुर में ग्राम प्रधान और उनके परिवारजनों में एक ग्रामीण परिवार को बेरहमी से मारा पीटा गया। वहीं मामले में एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया और घायल महिला को थाने में रखकर जमकर हंगामा काटा। वहीं थाने का घेराव देख पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाकर महिला और उसके परिवारजनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
दबंग प्रवृत्ति का जो ग्राम प्रधान है, आप देखेंगे अभी मैं आपको वीडियो में घुमा दूंगा, थाने में डॉक्टर अलवी तक के नाम की कुर्सियां पड़ी हुई है। थाने को संचालित करने वाला, थाने को संचालित करने वाला वो व्यक्ति है डॉक्टर अलवी, जो इतना बड़ा दबंग प्रवृत्ति का आदमी है, जो हर तरीके से शाम दाम दंडवे से थाने को चला रहा है। आज उस प्रकरण में हम दो लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पे आए, वहां हमने गिरफ्तारी की मांग रखी। यहाँ पुलिस द्वारा सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं, गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट से वारंट लिए जाएंगे, भेजा जाएगा, लेकिन उसके अलावा गिरफ्तारी का साफ इनकार कर दिया गया, गिरफ्तारी नहीं होगी। खबर गाजीपुर से, जहां साइबर सेल की टीम को कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि साइबर ठगी के साथ सभी शिकार व्यक्तियों को ₹1 वापस करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, साथ ही संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है। चंदौली के प्रभुपुर गांव में नींव खुदाई के दौरान दीवार ढहने से 3 मजदूर दब गए। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 3 शवों को बाहर निकाला गया है। घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी गांव में पहुंच गए। घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों में खलबली मच गई और मजदूरों के बचाव कार्य में जुट गए और लोगों मजदूर के बचाव और राहत। घटना के बाद थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मौके पर राहत और बचाव कार्य चला जा रहा है। ग्राम प्रभुपुर पड़ता है, थाना बलवा क्षेत्र में। यहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम संदीप यादव है, इनके द्वारा अपने दीवार के नीचे नींव की ईंटें निकाली जा रही थी, जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा जो नींव थी साथ वाली बाउंड्री वॉल की, तो खाली कर दिया गया। साथ वाली बाउंड्री वॉल उसमें गिर गई है, जिसमें 3 मजदूर दब गए थे और उनको सभी को रेस्क्यू किया गया और अभी हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने 3 शादी चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों को शादियाबाद क्षेत्र के परेवा इलाके से उस समय गिरफ्तार किया जब वो चोरी की योजना बनाने में जुटे थे। बता दें कि पकड़े गए चोर एक प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में चोरी के मामले में वांछित चल रहे थे। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी का लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि बरामद किया है। खबर अलीगढ़ से, जहां दोस्तों के साथ घूमने निकले युवक का शव जैठोली क्षेत्र में बरामद किया गया। परिजनों ने बताया कि उसका बेटा दोस्तों से मिलने के बाद बहन घर चला जाऊंगा कहकर घर से निकला था। देर शाम घर नहीं पहुंचने पर थाना में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा, आगे की जांच में जुट गई है। सांझ गया था, सांझ दोस्त बुला के ले गए, तो शाम के बाद हमें तो पता नहीं। क्या नाम था? देवर्षि। हाँ। तो कब ले गए थे, कौन लोग ले गए थे बोला? जाट आएंगे दोस्त, के जाट उनके दोस्त ले गए साँझ और सुबह मालिम परियों के साथ आते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।